Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Students, in our last lecture, we seen exercise 1.2. First question, second sum. And today I'm going to teach you a next sum, third one. Okay? So, let's start. Our function, f from R to R, given by fx is equal to x square. So let's start. Last lecture में हमने students जो हमारा exercise 1.2 था उसका जो question second था sorry student जो second question था उसका हमने second question किया था. अभी यहाँ पे third हम देखने जा रहे हैं. So answer here f from R to R where fx is equals to x square be given function. So we have given a function and we mention it. Now for first we check for 1 1. So let's see for 1 1. For 1 1, what we have to check? We put all the values of domain. We put all the values of domain in our given function. And if we get a unique value of that element, if we put one by one the elements of domain in our function, and if we get a unique answer of that element, then we say that the given function is 1 1. Okay, students, if we put 1 from our domain, then we get 1. Okay, if we put 2, then we get 4. That means if we put negative value, then you get also. If you put minus 1, then you get 1. Okay, so you see that, students, there are two elements of our domain which you put in our function, then we get a unique answer. Both answers same. इसका मतलब कि आप दो ऐसे एलिमेंट्स है 1 और -1 हमारे डोमेन में जो आप हमारे फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा. पर ये जो आंसर सेम मिलेगा ना वो हमारी 1 1 की कंडीशन नहीं है. ओके, अभी आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा, -1 पुट करेंगे तो अभी आंसर आपको 1 मिलेगा. पर ये हमारा 1 1 की कंडीशन नहीं है. सो हियर अवर 1 1 फंक्शंस कंडीशन फेल. So we say that the given function is not 1 1. Let's see here. For x1 is equals to 1, that implies f of 1 is equals to 1. 1 square is equals to 1. And for x2 is equals to -1, that implies f of -1 is equal to -1 square is equals to 1. Dekhiye students. 1 पुट किया तो आंसर 1 मिला, -1 पुट किया तो अभी आंसर 1 ही मिला. इसका मतलब कि हमें एक बार जो आंसर आएगा ना 1 आएगा तो उसके बाद वो रिपीट नहीं होना चाहिए, पर यहाँ रिपीट हो गया. इसके लिए हमारी 1 1 की कंडीशन जो है वो फेल हो गई. दैट मीन्स वी से दैट देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन. ओके, सो ये हो गया आपका 1 1 की जो हमें देखना चाहिए था वो. देख लीजिए, दो एलिमेंट मैंने ले लिया हमारे डोमेन में से. ऐसे 1 और -1 नहीं, ऐसे कई एलिमेंट्स है जिसका आंसर सिर्फ एक ही आएगा. मतलब हमारे आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा. अगर आप इनपुट देंगे तो आउटपुट सेम ही आएगा. ऐसे कई दो एलिमेंट्स है, 1 और -1, 2 -2, 3 -3, ऐसे बहुत सारे. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स व्हिच हैव आउटपुट which elements output have same answer, which 1 or -1, 2 or -2, 3 or -3. If we put all these elements in our function, then we get the output same. Okay, then we get the output is same. So f is not 1 1. Now for on 2. ओके, ऑन टू के लिए हमें क्या देखना है कि जो हमारा को डोमेन है वो हमारे को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब
आने चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट। ओके चलो देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि स्क्वायर है, हमारा जो फंक्शन है वो स्क्वायर है, इसका मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, मतलब नेगेटिव नंबर के आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर ही नहीं आएंगे। इसका मतलब कि R में से तो कौन कौन से नंबर आएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स आएंगे, सेट ऑफ रेशनल इरेशनल सभी आएंगे ना, बराबर। पर यहाँ कैसा हो रहा है कि सभी इवन नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर की तो यहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसका मतलब हमारा जो पूरा आर है वो तो नहीं आएगा, मतलब सेट ऑफ नियर रियल नंबर्स जो कोडोमेन है वो सारा का सारा तो नहीं आएगा। ओके मतलब हाफ एलिमेंट्स आएंगे, ऐसा बोलेंगे तो हम कोई गलत बात नहीं होगी, हाफ एलिमेंट्स आएंगे, पर वो कौन से आएंगे, सब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं हियर जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिखा, फॉर कौन सा ले लें, -2 ले लेते हैं, -2 बिलोंग्स टू कौन सा, कैपिटल आर विच इज को डोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू अवर आर डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू -2। ओके मतलब हमारे पास ऐसा कोई x है ही नहीं, मतलब हमारे डोमेन में ऐसा कोई x है ही नहीं जो हम हमारे फंक्शन में पुट करें और हमारा आंसर -2 आ जाए। ओके ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, फॉर -2 बिलोंग्स टू आर को डोमेन दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू आर सच दैट fx इज इक्वल टू -2। देयर फॉर क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर, क्या है, देयर फॉर f इज नॉट onto, therefore f is nei ther neither 1 nor onto function। ओके सो ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट सम, फोर्थ सम। ओके द फंक्शन f फ्रॉम एंड टू एंड गिवन बाय fx इज इक्वल टू x क्यूब, सो लेट स्टार्ट। आंसर हियर f फ्रॉम एंड टू एंड वेयर fx इज इक्वल टू x क्यूब बी गिवन फंक्शन फॉर 1 1। नाउ लेट्स चेक फॉर 1 1। So, now, if we put all the elements of domain one by one in our function, then we get a unique output in our codomain. Okay? देखिए, अगर आप 1 put करेंगे तो answer 1 मिलेगा, 2 put करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 put करेंगे 27 मिलेगा। इसका मतलब कि आप जैसे जैसे elements put करते जाएंगे आपका answer unique ही आएगा। Okay? एक बार जो answer आ गया ऊपर वो repeat नहीं होगा, और ये क्या दर्शाता है हमें, 1 1 की कंडीशन। इसका मतलब हमारा 1 1 फंक्शन आएगा। सो फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, डोमेन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) दैट इंप्लाइज x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसल ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) that implies x1 is equal to x2, therefore f is 1 1 function. Now let's check for onto, let's see what happened in onto. अभी students हमने देखा कि जैसे जैसे आप elements put करेंगे हमारे function में हमें आंसर मिलेगा, कौन कैसे कैसे आंसर मिलेगा, सबसे पहले 1 मिलेगा, उसके बाद डायरेक्ट 8 मिलेगा, उसके बाद डायरेक्ट 27 मिलेगा, मतलब 1 और 8 के बीच में जो मेंबर्स है वो सभी बाकी रहेंगे, वो सभी मेंबर्स नहीं आएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे तो 8 और 27 के बीच में भी कई सारे मेंबर्स है वो भी बाकी रहेंगे। ओके पर ऑनटू के लिए तो हमें क्या चाहिए कि ये पूरा जो एन है हमारे कोडो में वो पूरा एन आना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ। अभी आपने देखा
कि 1 पुट करेंगे तो आंसर 1, 2 पुट करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 27, इसका मतलब जो बीच वाले जो नंबर्स है वो सभी बाकी रहेंगे. ओके, द बिटवीन 1 एंड 8 देयर आर मेनी नंबर्स व्हिच आर रिमेनिंग. ओके, व्हिच आर रिमेन, देयरफॉर द एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन. सो हियर फॉर कौन सा ले लें एलिमेंट, आप बोलो स्टूडेंट्स कौन सा लेते हैं. अभी प्रीवियस में हमने कौन सा लिया, नेगेटिव वैल्यू लिया, तो पहले 1 पुट किया तो 1 मिला, उसके बाद 2 नहीं आएगा ना, तो 2 ले लेते हैं. फॉर 2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, को डोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू एन डोमेन सच दैट fx is equals to क्या, तो 2. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा कोई x है ही नहीं हमारे डोमेन में जो हम हमारे फंक्शन में पुट करें और हमें आंसर क्या मिले, 2 मिल सकता है. ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है. therefore f is बोलो बोलो not on 2. therefore फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे, therefore f is 1 1 but not onto function. okay, चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. सिंपल ही है, थोड़ा आपको फोकस करना है, थोड़ा ध्यान देना है कि ये कैसे हम 1 1 प्रूफ कर रहे हैं और कैसे onto. देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले फॉर onto लिख देता हूं, जो हमें फाइंड करना है वो टाइटल दे देता हूं, उसके बाद पहले मैं चेक कर लेता हूं. समझ में आ गया, अगर हमारा 1 1 आ जाता है तो हम ये मैं इस तरह प्रूफ कर देता हूं, और अगर नहीं आता तो मैं क्या करता था, 2 एलिमेंट ले लेता था. ओके, और उसको मैं पुट कर देता हूं, आंसर वो सेम आते हैं वो वाला, बराबर ना. तो सबसे पहले आप चेक कर दीजिए, और ऑन टू के लिए भी मैंने ऐसा ही किया, सेम. समझ में आ गया स्टूडेंट्स. ओके, तो ये क्या है आपका सॉल्यूशन, किसका, तो फोर्थ का. ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ. ये देख लीजिए, ये चलो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन. देखिए स्टूडेंट्स फंक्शन तो सेम ही है, fx is equal to x cube, पर जो हमारा मेन है, जो हमारा डोमेन और कोडोमेन, वो चेंज हुआ है. ओके, अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमारा fm n टू n था, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, अभी यहां हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स. सो लेट सी हियर, f फ्रॉम z टू z वेयर fx is equal to x cube be गिवन फंक्शन. सो फर्स्ट आई टाइटल फॉर 1 1, लेट्स सी नाउ स्टूडेंट्स, आई पुट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम डोमेन 1 by 1 इन अवर फंक्शन, एंड इफ वी गेट अ यूनिक आंसर ऑफ ऑल एलिमेंट्स देन वी से दैट अवर फंक्शन इज 1 1, लेट्स सी स्टूडेंट्स. अभी हम इसमें से 1 पुट करेंगे, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसमें कौन से नंबर आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, नेगेटिव इंटीजर आएंगे और 0 आएगा. सबसे पहले आप 0 पुट करें तो आंसर 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, -1 पुट करेंगे तो अभी -1, क्योंकि -1 का क्यूब आएगा -1, 2 पुट करेंगे तो 8 मिलेगा, -2 पुट करेंगे तो -8 मिलेगा. इसका मतलब जो आंसर जो आउटपुट हो रहा है ना वो सेम नहीं आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, मतलब यूनिक आ रहा है. 1 का आंसर यूनिक है, 2 का आंसर भी यूनिक है, फिर -2 का यूनिक है, -1 का यूनिक है, 0 का तो 0 ही है. इसका मतलब आप जैसे जैसे वैल्यूज पुट करेंगे ना तो आपको आंसर यूनिक ही मिलेगा, रिपीट नहीं होगा. ओके, देयर डज नॉट एनी नंबर रिपीटेड. सो क्या लिख देंगे, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू z डोमेन f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) दैट इंप्लाइज x1 cube is equals to x2 cube, that implies x1 is equals to x2, therefore f(x1) is equal to f(x2), that implies x1 is equal to x2, therefore f is 1 1 function. For now our next function for onto. Let's first we check onto के लिए हमें क्या बोला, हमारा जो कोडोमेन है और कोडोमेन मस्ट बी कंपल्सरी सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट्स, मस्ट बी कंपल्सरी सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट्स इन अवर फंक्शन. पर अभी मैंने अभी देखा
कि आप वन पुट करेंगे तो वन आएगा, जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा, फिर टू पुट करेंगे तो डायरेक्ट एट आंसर आएगा। इसका मतलब वन और एट के बीच में सभी मेंबर्स बाकी रहेंगे। सिमिलरली माइनस वन और माइनस एट के बीच के भी सभी मेंबर बाकी रहेंगे। ऐसे तो ये सिर्फ इतने ही मेंबर नहीं, ऐसे कई मेंबर्स होंगे जो ये जेड में आ रहे हैं हमारे कोडोमेन में, जो बाकी रहेंगे, विच आर रिमेन। ओके, सो आप लिख सकते हैं हियर फॉर, एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, माइनस टू बिलोंग्स टू जेड कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड डोमेन सच दैट, क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू। इसका मतलब हमारे पास डोमेन में ऐसा कोई मेंबर नहीं है, ऐसा कोई एक्स है ही नहीं जो हम हमारे फंक्शन में पुट करें और हमें आंसर माइनस टू मिले। ओके, सो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, सिंपल ये स्टूडेंट्स, जो हम प्रीवियस एग्जांपल में कर रहे हैं, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में चेक कर रहे हैं, एज इट इज सेम ऐसा ही यहाँ पे भी चेक करना है। अगर आप देख सकते हैं तो सॉल्यूशन आपके सामने ही है। ओके, देख लीजिए, और नेक्स्ट सम इज एग्जांपल नंबर 7। सो लेट सी, फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लिसन ऑल यू, लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। स्टूडेंट्स बुक में हमें क्लास 10 दिया थे, मतलब मैंने जो क्लास है वो सिर्फ चेंज किया क्योंकि हमारा जो 12 स्टैंडर्ड, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ 12 किया है। ओके, इतना चेंज है। इन अ स्कूल, मतलब हमारे पास एक कैपिटल ए है, उसमें कितने एलिमेंट्स है, 50 एलिमेंट्स है, मतलब 50 स्टूडेंट्स है। ओके, मतलब फाइनाइट सेट है वो हमारा। लेट एफ फ्रॉम एन टू एन बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। इसका मतलब इन शॉर्ट में बोलू तो एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे एक्स दिया है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, जो एक्स है वही यहाँ पे एक्स है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स आप यहाँ पुट करेंगे वही स्टूडेंट आपको मिलेगा। इसका मतलब है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आपको फंक्शन दिया है। शो दैट एफ इज 119 बट नॉट ऑन टू, 50% ऑफ वर्क इज इजी बिकॉज ऑफ शो दैट। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में शो दैट बोला है, मतलब हमें सिर्फ प्रूफ ही करना है, पर ऐसा नहीं कि प्रूफ करना बोला है इसलिए हम ऐसे ही प्रूफ कर देते हैं। ओके, गुजराती में कहा थे ना कि पाटिया पाटिया बेसाना, ऐसा नहीं करना है हमें, हमें हमारे मैनर में ही, हमारे जो प्रोसीजर है, वन बाई, सबसे पहले हम वन वन चेक करते हैं, उसके बाद ऑन टू चेक करते हैं, वैसे ही हम जाएंगे। ओके, ऐसे ऐसे वैसे नहीं हम प्रूफ करेंगे, हमारा जो अब तक के हमने जितने भी एग्जांपल किए हैं वन वन ऑन टू के, ऐसे ही सेम एस करेंगे। सो फर्स्टली आई मेंशन ऑल द डिटेल्स ऑफ अवर क्वेश्चन इन सॉल्यूशन। ओके, हियर एफ फ्रॉम ए टू एन बी फंक्शन defined by fx is equals to roll number of student x which is b given. So firstly we check for 1 1. Okay students, अभी हम check करेंगे 1 1 के लिए। अभी यहाँ पे कैपिटल ए में कितने मेंबर्स है, 50 मेंबर्स है, 50 मेंबर्स वन बाय वन हमें हम हमारे एफ एक्स में पुट करेंगे, मतलब सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट वन, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट ही आएगा। फिर टू पुट करेंगे तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू, थ्री पुट करें तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट थ्री। इसका मतलब जो भी स्टूडेंट आप पुट कर रहे हैं, पहला स्टूडेंट पुट करें तो आपका आंसर पहला स्टूडेंट ही मिलेगा, बराबर। दूसरा स्टूडेंट पुट करेंगे, इफ यू पुट अ सेकंड स्टूडेंट देन वी गेट अ सेकंड स्टूडेंट, इफ यू पुट थर्ड स्टूडेंट देन वी गेट अ थर्ड स्टूडेंट, सिमिलरली इफ यू गेट अ 50th स्टूडेंट देन यू गेट अ 50th स्टूडेंट। इसका मतलब आप जो भी स्टूडेंट आप पुट कर रहे हैं उसका आंसर वो ही मिल रहा है, मतलब यूनिक मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने थर्ड स्टूडेंट पुट किया और आपको सेकंड स्टूडेंट मिला, ऐसा नहीं है कि आपने 10th स्टूडेंट पुट किया और आपको 15th स्टूडेंट मिला, ऐसा नहीं है।
जो स्टूडेंट आप पुट कर रहे हैं वही आपको आउटपुट में मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, तो हमारा 1-1 की कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो गई। सो देयरफॉर और फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए डोमेन एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, दैट इंप्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, क्योंकि मैंने बोला ही था कि हमारा फंक्शन कैसा है विच इज द टाइप ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर x1 is equal to f of x2, that implies x1 is equal to x2, therefore f is 1-1 function. So let now check for onto. अभी स्टूडेंट्स अभी हमने चेक किया कि हमें 1 से 50 लेके 50 नंबर तो सभी आएंगे, मतलब आउटपुट में हमें 50 स्टूडेंट्स तो मिलेंगे ही, ओके, क्योंकि हमारी कैपेसिटी, हमारे जो डोमेन की कैपेसिटी कितनी है, 50 स्टूडेंट्स की है जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो 50 का आंसर तो 50 तो आएगा बाबा। पर हमारा जो कोडोमेन है वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैंने नंबर्स होंगे, फर्स्ट 50 वैल्यू तो आएंगे, उससे हमें कोई एतराज है, कोई कंसर्न नहीं है, डजंट मैटर विथ फर्स्ट 50 नंबर, वी मैटर फॉर 51th टर्म से लेके इन्फिनिटी तक, उसका क्या, वो सभी मेंबर्स तो बाकी रहेंगे नहीं आएंगे, क्योंकि फर्स्ट 50 नंबर तो यहाँ इसमें ए में है ही, जो हम पुट करेंगे तो हमें मिलेंगे, वी गेट दैट 50 नंबर्स, बट व्हाट अबाउट 51, व्हाट अबाउट 52 अप टू डॉट डॉट इनफिनिटी, वो सभी मेंबर्स तो बाकी रहेंगे, जो हमारी ऑन टू की कंडीशन है उसको हमें फेल कर रही है, मतलब हम यहां लिख सकते हैं ना, हियर फॉर क्या लिख दे, यहां लिख देता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, फॉर 51 बिलोंग्स टू कैपिटल एन को डोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू ए डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 51। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई एक्स है ही नहीं हमारे डोमेन में कि जो हम हमारे फंक्शन में पुट करें और हमें आंसर 51 मिले, ओके, क्योंकि हमारे डोमेन की जो कैपेसिटी है वो 50 स्टूडेंट्स की ही है, इसलिए देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर एफ इज 1-1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन। सो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 7। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रखता हूं, सिंपल ही है, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए नाउ आवर नेक्स्ट सम इज एग्जांपल नंबर 8। व्हाट इज गिवन, वी हैव शो दैट अगेन स्टूडेंट्स 50% वर्क इज कम्प्लीटेड बिकॉज ऑफ शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एंड टू एंड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज 1-1 बट नॉट ऑन टू। चलो सिर्फ प्रूफ ही करना है, चलो देख लेते हैं, ओके। सॉल्यूशन हियर एफ फ्रॉम एंड टू एंड वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x बी गिवन फंक्शन। नाउ फॉर फर्स्ट फॉर 1-1 अभी देखिए डोमेन में से आप वैल्यूज हमारे फंक्शन में पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे 2 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 6 मिलेगा, इसका मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आएगा, ओके। इसका मतलब कि सभी के सभी आंसर यूनिक ही मिलेंगे, ओके। इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन तो होगा, आप 1 पुट करेंगे 2 मिलेंगे, 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेंगे, इसका मतलब जो 2 है वो फिर से रिपीट नहीं होगा, मतलब सभी के आंसर यूनिक ही आएंगे, एक ही आएंगे। चलो देख लेते हैं, therefore अभी हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N डोमेन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, दैट इंप्लाइज 2x1 इज इक्वल टू 2x2, दैट इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 बिकॉज 2 is cancel on both the side. Therefore, f of x1 is equal to f of x2. That implies x1 is equal to x2. Therefore, f is
one function. Now for onto. Here. चलो onto के लिए मैंने अभी बोला कि हमारा जो आउटपुट आएगा, मतलब जो हमारा कोडोमेन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आएगा. इसका मतलब सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर सभी बाकी रहेंगे. अभी देखा ना आप क्या है, वन पुट किया तो टू मिला, टू पुट किया तो फोर मिला, देन वी पुट थ्री वी गेट सिक्स, इफ वी पुट फोर देन वी गेट एट. दैट मीन्स वी गेट अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. नाउ इफ वी डू नॉट गेट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सो वी कांट से दैट द गिवन फंक्शन इज अ ऑनटू फंक्शन विच इज ऑल्सो गिवन इन अ क्वेश्चन. ओके, सो अभी हम लिख सकते हैं. अभी सेट ऑफ ऑड नंबर में से कौन सा लिए आप बोलो. वन आ गया, थ्री ले लेते. ओके, थ्री ले लेते हैं. फॉर थ्री बिलोंग्स टू कैपिटल एंड को डोमेन दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू एन डोमेन such that fx is equals to 3. इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई x हमारे डोमेन में है ही नहीं जो हम पुट करें और हमें आंसर 3 मिल सके. therefore f is not onto, therefore f is 1 but not onto function. okay students, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. सिंपल ही है स्टूडेंट्स, थोड़ा आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो टुडे आई स्टॉप हियर एग्जांपल नंबर 8. थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, तो आपको सब इजी लगेगा. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, सो आई स्टॉप हियर नाउ. We will meet in a next lecture. Okay, thank you.